सेंटर करेंटली फ़िक्स करता है एमएसपी फॉर 23 फार्म कमोडिटीज के लिए सेंटर फिक्स करता है एम तो इसमें होते हैं सेवन सीरियल्स सीरियल्स में आते हैं पैडी वीट मेज बाजरा ज्वार रागी एंड बारले तो सेवन सीरियल्स में आते हैं पैडी वीट मेज बाजरा ज्वार रागी एंड बारले फ़ाइव पल्सेस में आते हैं चना अहर तूर उर्द मूंग एंड मसूर एंड सेवन वर्ल्ड सीड में आते हैं रिपसीड मस्टर्ड ग्राउंडर सोयाबीन सनफ्लावर सीसम एंड सफ्लावर एंड नाइजर सीड फोर कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं कॉटन शुगर कैन कॉपरा एंड रॉजूट सो वॉट इज मिनिमम सपोज प्राइज इज द प्राइज दैट अ गवर्नमेंट एजेंसी पे वेन एवर दे प्रोक्योर द पर्टिकुलर क्रॉप जब भी गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर करती है पर्टिकुलर क्रॉप दे पे अ मिनिमम सपोर्ट प्राइज और मिनिमम सपोर्ट प्राइज इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर इट इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज द ग्रेन्ेंस फ्रॉम द फार्मर तो गवर्नमेंट एम कितनी क्रॉप्स के लिए देती है ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स के लिए लेकिन ये लीगली बाउंडिंग नहीं है टू पे दीज इवन इफ द ओपन मार्केट रेट्स फॉर द सेट प्रोड्यूस आर रूलिंग बिलो देर अनाउंस फ्लोर प्राइजेस तो यहाँ पे लीगली बाउंड नहीं है कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लीगेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि वो एम पे ही खरीदे तो इट इज़ नॉट एम इज़ नॉट लीगली बाउंडिंग तो अभी यही फार्मर प्रोटेस्ट की यही डिमांड है कि इसको लीगली बनाया जाए लीगल बनाया जाए एम को सो क्रॉप्स कवर्ड अंडर एम एस पी तो यहाँ पर सेवन सीरियल्स है तो इसमें है डी वीट ज्वार बार्ले बाजरा रागी मेज तो पेडी वीट ज्वार बार्ले बाजरा रागी एंड मेज ये सेवन सीरियल्स हैं एंड फाइव पल्सेस फाइव पल्सेस में आते हैं अहर तूर ग्राम मूंग लेंटल एंड उर्द एंड सेवन ऑयल सीड से ग्राउंड नट रिप्सिट मस्टर्ड सोयाबीन तोरिया सीसम सन सीड एंड सफ फ्लॉर सीड एंड नाइजर सीड सो दीजा सेवन ऑयल सीड्स अदर क्रॉप्स में फोर क्रॉप्स है कवर्ड है दैट इज रॉ कॉटन रॉ जूट कॉपरा डी हस कोकोनट एंड शुगर केन फेयर शुगर केन के लिए होता है हमारा एफ आर पी फेयर एंड रेमरेटिव प्राइस एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है इट इज़ फिक्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी एस ई पी दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस प्रोक्योर करता है एफ सी आई नोडल एजेंसी है अलॉन्ग विद द स्टेट एजेंसी जो प्रोक्योर करती है, है क्रॉप्स को अंडर फाइनल so, डिसीजन कौन लेता है कैबिनेट की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सी सी ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ये फाइनल डिसीजन लेती है ऑन द लेवल ऑफ एम एस पी एंड अदर रकमेंडेशन मेड बाई सी एस ई पी तो सी एस ई पी तो रिकमेंडेशन देता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस एंड फाइनल कौन अप्रूव करता है फाइनल डिसीजन कौन लेता है सी सी ई ए मीन्स कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर ऑफ फैक्टर कंसिड्रेशन में रखे जाते हैं एक तो सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन फॉर द कम्युनिटी सप्लाई एंड डिमांड कितनी है मार्केट प्राइस ट्रेंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स प्राइस क्या है उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट में उस कमोडिटी के मार्केट प्राइस ट्रेंड्स क्या हैं देन पैरिटी विज अ विज अदर क्रॉप्स अदर क्रॉप्स के हिसाब से कितनी इसमें कितना इसका प्राइस है प्रायरिटी विज अव इज क्रॉप्स देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए टू प्लस एफ एल तो हम कौन सा मैथड यूज करते हैं इफ टू प्लस एफ एल इन्फ्लेशन भी देखा जाता है इम्प्लीकेशन ऑन कंज्यूमर्स एववायरमेंट देखा जाता है सॉइल एंड वाटर यूज एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्च सेक्टर तो ये सात चीज़ें हैं इनको देखा जाता है वेलकनसी द वाइल फिक्सिंग एम एस पी तो दो हजार अठारह उन्नीस के बजट से जो एम एस पी है इट इज कैप्टेड वन पॉइंट हाफ टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो वट इज सी एस ई पी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस इट इज अटैचड ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर तो एक अटैच्ड ऑफिस है और द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मल वेलफेयर सी एस सी पी रिकमेंड करता है एमएसपी ऑफ नोटिफाइड खारिव एंड राबी क्रॉप्स टू द कैबिनेट कम्यूटी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स तो एम एस पी खारिव एंड राबी क्रॉप्स के लिए कौन रिकमेंड करता है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कब बनी थी बॉडी नाइनटीन सिक्सटी फाइव में एंड इज अ स्टैचुरी बॉडी एक्ट के द्वारा बनाई गई थी सो इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी इट ऑल्सो मोटिवेट्स कल्टीवेटर्स एंड फार्मर्स टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो अगर आ जाएगा सी एस सी पी क्या ये मोटिवेट करती है कल्टिवेटर्स एंड फार्मर्स को टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सही हो जाएगा इट ऑल्सो मोटिवेट्स द कल्टिवेटर्स एंड फार्मर्स टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इसके सजेशन जो भी हैं दे आर नॉट बाइंडिंग तो ये कमीशन है तो सजेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट द बॉडी बनी थी स्टैचुरी बॉडी फॉर इट वॉज फॉर्म इंड नाइनटीन सिक्सटी फाइव तो एम एस पी रिकमेंड की जाती है बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस फॉर द ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स सो ट्वेंटी थ्री फार्म कमोडिटीज सेवन सीरियल्स फाइव पल्सिस सेवन ऑलसीड एंड फोर कमर्शियल क्रॉप्स इसमें से फोटी खारिफ होती है, सिक्स राबी होती है एंड दो कमर्शियल क्रॉप होती है दो कमर्शियल तो फोर्टीन ख़ारिफ सिक्स रॉबी क्रॉप्स एंड टू कमर्शियल क्रॉप उसमें खारिफ सीज़न की क्रॉप ज़्यादा होती सिक्स राबी क्रॉप्स एंड दो कमर्शियल क्रॉप